नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों आज यार मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़, तो नहीं कहूँगा पर यार कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यार पबजी ने यार वर्ल्ड वाइड कर चुकी है 30K से भी, मतलब 30,000 से भी ज़्यादा अकाउंट बैन। तो दोस्तों क्यों किया इन्होंने अकाउंट बैन और अपने अकाउंट को आप कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और अपने अकाउंट को सेफ कैसे रखना है वो भी पता लग सके। तो दोस्तों यार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार जाइए उस लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहता है जिससे कि आप अपडेट रहते हैं। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा यार ये जो अकाउंट्स बैन हुए हैं या पबजी के वर्ल्ड वाइड मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, चाहे वो पबजी मोबाइल हो, पबजी एक्सबॉक्स पे हो, PS4 पे हो या PC पे हो, तो दोस्तों 30,000 अप्रॉक्स लगाया जा रहा है, उससे भी ज्यादा अकाउंट बैन हो चुके हैं। और इनमें यार सिर्फ आम बंदों के अकाउंट बैन नहीं हुए हैं, कुछ प्रोफेशनल प्लेयर भी हैं, मतलब न्यूज के हिसाब से 16+ प्रोफेशनल प्लेयर है जिनके अकाउंट बैन हुए हैं, उनके नेम तो अभी दिए नहीं गए हैं। पर दोस्तों नेट पे काफी चल रहा है यार कि 16 या 16 से ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जिनके पबजी अकाउंट बैन हुए हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं बैन क्यों हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पबजी मोबाइल ने या पबजी ने हाल फिलहाल में एक नया एंटी चीट सॉफ्टवेयर अपना किया है, ठीक है, निकाला है, जिसके हिसाब से यार मतलब वो एंटी चीट सॉफ्टवेयर बैटल आई में निकाला है। तो अगर मैं आपको बताऊं बैटल आई उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यार गेम में हैक हुक पकड़ता है, अगर कोई हैक कर रहा है ठीक है, तो यार उन्होंने उसमें डाला, तो उसमें यार क्या हो रहा था, जो बंदे रेडार हैक यूज कर रहे थे उन सबके अकाउंट बैन कर दिए गए। तो दोस्तों रेडार हैक होता क्या यार, मतलब रेडार इससे तो यार सिंपली मतलब दिख ही जाता है, नाम से ही पता लग जाता है, मतलब यार इससे क्या होता है बंदे जो होते हैं हमारे आसपास मैप पे वो दिखाई दे जाते हैं कहां पे कौन सा बंदा घूम रहा है, जिसके कारण आप आराम से खेल ले सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा यार कुछ बंदे थे VPN यूज कर रहे थे थर्ड पार्टी का यार, मतलब अपना कंट्री चेंज करके अपने रॉयल पास पॉइंट्स वगैरह बढ़ा रहे थे, जिसके कारण वो भी बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब कारण थे जिसके कारण अभी बैन किए गए हैं अकाउंट, ठीक है। तो अब हमें सेफ कैसे रहना है, तो दोस्तों आपको सेफ रहने के लिए क्या करना है यार, सबसे पहले देखो आपने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी यार, GFX टूल को आप हाथ भी मत लगाइएगा अगर आपको अपना अकाउंट पे आ रहा है, ठीक है। तो यार कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ ना कीजिए। और सेकंड बात जो दोस्तों आती है, मैंने क्या देखा यार पबजी मोबाइल में यार क्या होते हैं लोग कई कई यार ट्रिगर्स होते हैं, या कम से कम थर्ड पार्टी जो हार्डवेयर होता है उसे यूज़ करते हैं पबजी मोबाइल खेलने के लिए, जिसके कारण यार उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता है पबजी मोबाइल पे। जैसे आपने कोई यार मतलब कर लो जुगाड़ लगा के कीबोर्ड लगा दिया अपने फोन के साथ और आप फिर खेल रहे हो पबजी मोबाइल, इससे यार आपको यार पबजी मोबाइल वाले प्लेयर्स के साथ मैच किया जाएगा और यार मतलब आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी उनके ऊपर। तो दोस्तों अगर यार ऐसा कुछ मतलब पबजी मोबाइल को पता लग जाता है तो यार आपका अकाउंट आराम से बैन हो जाएगा, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका अकाउंट बैन करने के लिए और आपकी सारी मेहनत डूबने वाली है। तो दोस्तों तीसरी जो चीज होती है वो है ग्लिचेस का यूज। तो दोस्तों आप सबको पता यार मैं भी काफी ग्लिचेस डालता हूं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो यार अब क्या करते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार उन ग्लिचेस को आप यूज़ मत कीजिएगा, अगर कोई मतलब बंदा आपको दिखे कि ऐसा ग्लिच आपको मार रहा है आपको दिख नहीं रहा तो आप समझ सकते हैं यार कि वो बंदा ग्लिच यूज़ करके मारा, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों क्या होता है यार कोई मेरे जो दोस्त कह लीजिए सब्सक्राइबर्स कह लीजिए वो ग्लिचेस का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता है गेम के अंदर, तो दोस्तों वो आराम से यार बंदों को मार सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ग्लिचेस का अपलोड करने का यार मकसद ये होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसे रिपोर्ट करें, जिसके कारण वो ग्लिच यार जो पैच हो जाए हम गेम का जो मजा आराम से ले पाए। दोस्तों इसलिए आपको यार रिपोर्ट करना है ग्लिचेस को अगर आप पकड़े गए यार ग्लिचेस को यूज करते हुए, क्योंकि आपको पता है यार पबजी मोबाइल वालों ने अब स्पेक्टेट का फीचर दे रखा है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपने मार दिया और उसने आपको स्पेक्टेट कर लिया तो यार उसे पता लग जाएगा कि आप ग्लिच यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसके कारण वो आपको रिपोर्ट करेगा और ज्यादा रिपोर्ट्स आने पर यार जो है आपका अकाउंट जरूर बैन हो जाएगा। तो दोस्तों कई क्या होते हैं यार बंदे वो अपने दोस्तों के साथ मजाक में उनका अकाउंट भी रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी आदत छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि उनका अकाउंट भी बैन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो लास्ट चीज आती है वो क्या होगी दोस्तों, कि दोस्तों आपने ज्यादातर क्या करते हैं लोग, दोस्तों मैंने आजकल क्या दिखा यार वो मैच में जाते हैं और मैच मेकिंग जब हो रही होती है, मतलब जब हम ट्रेनिंग मॉल में होते हैं, मॉल तो नहीं कहूँगा ट्रेनिंग हॉल में होते हैं, तो यार क्या होता है ट्रेनिंग अरीना में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जिट करने से क्या होता है प्लेयर्स के नंबर, अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो यार उस स्क्वाड को डिसएडवांटेज मिल जाता है। तो आपने आजकल देखा भी होता है मैसेज आ रहा होता है कि प्लेयर लेफ्ट हो गया आप भी लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लगातार मैचेस ऐसे एग्जिट करते रहते हो तो यार आपकी जो मैच मेकिंग है वो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए बैन हो सकती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी मैच मेकिंग को करने के लिए, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स थे जिससे कि आप यार अपना अकाउंट बैन होने से बचा सकते हो, और ये छोटी सी न्यूज आपको देनी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने अकाउंट को सेफ रख सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।